नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या बोल रहे हैं लाइफ? लाइफ को बोलो थोड़ी देर शांत रहें, क्योंकि अब मैं बोलूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका टाइटल है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ टू, या फिर डिविजिबिलिटी रूल फॉर टू। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है एक्चुअली टू का, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलो तो दोस्तों, ये है हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ टू। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ टू हमें क्या बताती है? इफ एन इंटीजर हैज 0 और 2 और 4 और 6 और 8, राइट? इफ एन इंटीजर हैज 0 और 2 और 4 और 6 और 8 इन इट्स यूनिट प्लेस, देन द इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, हम इसको अब थोड़ा अच्छे से समझते हैं। क्या बोल रहा है? 0, 2, 4, 6 या 8 अगर उसके यूनिट प्लेस में है। यूनिट प्लेस मतलब क्या? मान लो कोई भी नंबर है एक्स वाई जेड, तो ये जो जेड है तुम्हारा, दिस इज यूनिट प्लेस, ठीक है? ये हो गया टेंस प्लेस, ये हो गया हंड्रेड्स प्लेस। ये जो तुम्हारा डिजिट है, कोई भी नंबर एक्स वाई जेड है या फिर पी डब्ल्यू क्यू है, तो कोई भी नंबर हो जिसका सबसे राइट में जो डिजिट आता है, यूनिट प्लेस में जो डिजिट आता है, अगर वो डिजिट 0 है, 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। समझ में आ रही है? मतलब अगर कोई नंबर है, मान लो 5, 6, 7, 1 और 3, 9, 2, 8, ये दो नंबर है हमारे पास। यहाँ पे यूनिट प्लेस में 1 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 8 है। हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ टू क्या कहती है? अगर यूनिट प्लेस में 2, 4, 6, 8 या 0 इनमें से कोई डिजिट है, तो वो नंबर डिविजिबल है। यहाँ पे 8 है, 8 हमारे बॉक्स में है या हमारी लिस्ट में है, इसलिए ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2। ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में ना तो 0 है, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। अब हम क्या करते हैं, इन्हें डिवाइड करते हैं 2 से और चेक करते हैं जो डिविजिबिलिटी रूल हम सीख रहे हैं, क्या वो सही है या गलत, ठीक है? अब देखो, 5, 6, 7, 1 डिवाइडेड बाय 2, 2, 2 ज़ा 4, इट बिकम 16, 2, 8 ज़ा 16, 2, 3 ज़ा 6, इट बिकम्स 11, 2, 5 ज़ा 10 एंड देर इज 1 रिमाइंडर विच बिकम्स 10, जो 10 होता है, तो उसको हम 0.5 ले लेते हैं। और ये जो नंबर है 3, 9, 2, 8, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2, 1 ज़ा 2 बचा 1 हो गए 19, 2, 9 ज़ा 18 बचा 1 हो गए 12, 2, 6 ज़ा 12, 2, 4 ज़ा 8। यहाँ पे जब हम 2 से डिवाइड करते हैं इस नंबर को, तो रिमाइंडर बनता है 0 और यहाँ पे रिमाइंडर बनता है 1। मतलब ये डिविजिबल नहीं है और ये डिविजिबल है। तो यही है 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। आपको कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर, आपको इस नंबर को डायरेक्टली डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, आपको यूनिट प्लेस का डिजिट देखना है। यहाँ पे अगर 0 है, 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, इन पाँचों में से अगर कोई डिजिट है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 की जो विभाज्यता की कसौटी कहते हैं हिंदी में, यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 या फिर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, वो बस यही है। यूनिट प्लेस में जाओ, देखो इन पांचों में से अगर कोई डिजिट है तो वो डिविजिबल है, अगर इन पांचों में से कोई डिजिट नहीं है यूनिट प्लेस में, तो वो डिविजिबल नहीं है। 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करो, ताकि जब एग्जाम में इस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करने में देर नहीं लगेगी, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें सब समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आता है, कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेरी है लिख देना, मैं जितना जल्दी हो सके आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अर्जेंट कुछ पूछना है तो
तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी दे रखे हैं, वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट करके कुछ पूछ सकते हो। सिर्फ कुछ पूछना है तो ही टेक्स्ट करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और सीखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हमेशा की तरह सीखते रहो।